हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपको पता ही होगा CAPF 2019 का पेपर अभी 18 तारीख को हुआ था, तो उस मेरे पास का पेपर है तो आप लोग देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन ही मुझे ये बुकलेट मिला था बी नंबर, तो यहाँ क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं अभी। तो ये सबसे पहले मुझे मैथ्स के क्वेश्चन थे, जिसमें पहले पेज पे 7 क्वेश्चन हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन मैथ से था, इसमें परसेंटेज निकालना था या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। सब देख सकते हैं आंसर सही है। और दूसरा रीजनिंग था, तीसरा मैथ और चौथा भी मैथ था। इसको सॉल्व करना हो अगर आपको, मैंने ये छोड़ दिया था क्योंकि मेरा मैथ उतना स्ट्रांग नहीं, मैं GS पे ज़्यादा फोकस किया था। और ये पांचवा क्वेश्चन एक रीजनिंग से था, छठा क्वेश्चन था पॉलिटी से। आई एम श्योर कि ये सही होगा। ये मिडवल हिस्ट्री से था, तो मुझे कुछ खास ये नहीं पता था, तो मैंने नहीं किया। अब देखते हैं ये दूसरे पेज पे, ये था जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था 8वें नंबर में। 9वां नंबर था ये क्वेषन बोल्शेविक संयंत्र मामले किस जेल हुई थी, किसको उस पर क्वेश्चन था। ये हिस्ट्री था। 10वां नंबर है, ये भी हिस्ट्री था। 11वां में ये ज्योग्राफी से था। और फिर ये 12 नंबर, ये भी एक ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन था, काफ़ी सही था। यहाँ 13 नंबर ज्योग्राफी था, 14 नंबर एक्चुअली ये रीजनिंग था, मेरे पास टाइम नहीं बचा था लास्ट में तो मैं नहीं कर सका। ये 15 नंबर भी रीजनिंग ही था, इजी था, थोड़ा टाइम देते तो। 16 नंबर ज्योग्राफी, 17 नंबर भी आई थिंक ज्योग्राफी एंड साइंस दोनों बोल सकते। 18वां था साइंस। अब यहाँ साइंस के क्वेश्चन इस बार कुछ ज़्यादा ही आए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ साइंस और ज्योग्राफी ही चल रहा है अभी। 20 नंबर जिसको आप सॉल्व करना है, रोक के पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ देखिए अभी तो ये 21, 22, 23 यहाँ 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, 24 भी ज्योग्राफी ही है, अरेंजमेंट पूछा था, 25 भी ज्योग्राफी से था, 26 आई थिंक ये बायोलॉजी से था, साइंस कर सकते हैं, 27 ये भी साइंस, 28 साइंस, 29 साइंस, 30 साइंस, 31 साइंस, 32 यहाँ इकॉनमिक शुरू हो रहा है, 33 इकॉनमी, 34 ये भी इकॉनमी कह सकते हैं, 35 ये भी कौन नहीं था, 36 भी कौन नहीं था, 37 यहाँ थोड़ा चूक गया मैं, शायद ही 1965 तो बाद में मैंने काट के 1866 कर दिया था। 38 हिस्ट्री आ गया फिर से, अभी हिस्ट्री चल रहा है, संतवासा गया, ये सब मध्यकालीन इतिहास क्वेश्चन। ये एक यहाँ बीच में रीजनिंग था, उसके बाद फिर से वही हिस्ट्री। यहाँ भी हिस्ट्री, ये मिडवल हिस्ट्री है, 7वां के बारे में था। ये ज्योग्राफी से काफ़ी आसान था,
ये करंट का क्वेश्चन था, ये पहला करंट आ रहा है अभी 46 नंबर पे, तो देख सकते हैं करंट बहुत ज़्यादा नहीं था एन सी ए पे। ये आई थिंक 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, उसके बाद ही ये हुआ होगा, तो मैंने 2016 किया था। ये देख सकते हैं ये करंट का था 48, ये 49, ये 3-4 साल से न्यूज में हैं, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल नो। आप यहाँ पे थोड़ा सावधान रहिए, एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को। यहाँ पे देखिए लिखा है ए पास, और आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए अपाचे लिखा है, तो अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से ही भारत ने लिया था, और चिनूक। तो यहाँ पे थोड़ा अगर आप सावधानी रहेंगे तो ज़्यादा ज़रूरी है। जलवायु आपात, यहाँ पे फिर से करंट, ये पॉलिटी, फिर पॉलिटी, यहाँ फिर से पॉलिटी, ये फिर से पॉलिटी चल रहा है अभी तो। फिर आ गया है साइंस, ये साइंस का क्वेश्चन, ये भी साइंस, और ये भी साइंस। देख सकते हैं साइंस सी ए पी एफ कभी भी देने जाए तो ध्यान रखिए साइंस से क्वेश्चन बहुत रहेगा, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन कितने सारे हैं, यहाँ इकॉनमी आ गया, ये इकॉनमी आप कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए जिसने बहुत अच्छे से इकॉनमी नहीं पढ़ा। वैसे इस इन क्वेश्चनों को के पीछे अगर आप ना ही पढ़े तो सही है, मांग की कीमत लोच, यहाँ पर देखते हैं आप काफ़ी टेढ़े क्वेश्चन, इतना आसान नहीं करना। ये वाला देखिए, ये तो बहुत टेढ़ा, ये क्वेश्चन इकॉनमी से, यहाँ पे थोड़ा मैथ आता है, ये थोड़ा रीजनिंग, फिर रीजनिंग, फिर पॉलिटी। यहाँ हिस्ट्री आ गया, दो क्वेश्चन हिस्ट्री के, एक क्वेश्चन पॉलिटी, फिर 74 भी पॉलिटी, और फिर ये आ गया ज्योग्राफी। ये आ गया फिर से साइंस, देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन साइंस के। हिस्ट्री जलिया वाला बाग, फिर एक ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, फिर आ गया एनवायरनमेंट। अभी देखिए इतना देर से चल रहे हैं और एनवायरनमेंट अब जाके क्वेश्चन दिखाएं, तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट तो नहीं था। अब यहाँ पे फिर से रीजनिंग आ गया है, ये एक और रीजनिंग का क्वेश्चन, फिर एक ये रहा रीजनिंग ही है, ये भी रीजनिंग कर सकते हैं, ये मैथ, फिर मैथ, यहाँ पे फिर से आ गया पॉलिटी। पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन थे ऐसा नहीं कह सकते, ये देखिए फिर से पॉलिटी, फिर से पॉलिटी, यहाँ फिर से पॉलिटी, फिर एनवायरनमेंट,
ये क्वेश्चन थोड़ा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का 98 नंबर, ये थोड़ा फिलॉसफी टाइप का क्वेश्चन था, तो काफ़ी आसान था, लेकिन ये हिस्ट्री आ गया और ये फिर से हिस्ट्री। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं पॉलिटी विथ करंट था, और फिर से ये आ गया है, करंट है ये 102 नंबर। 103 नंबर है करंट, ये पूछा था सरस्वती सम्मान किसे मिला इस साल, तो आई थिंक ये शिव रेड्डी ही थे। ये कंधमाल हल्दी, इरोड हल्दी, ऐसे बहुत सारे लोगों को चीज़ों को GI टैग मिला था, तो ये शायद उड़ीसा ही था। ये जायद मेडल, थोड़ा कंफ्यूजन था दो लोग देशों में, पर एट लास्ट मैंने सऊदी अरबी चूज किया था। फिर साइंस आ गया, फिर साइंस ही है। यहाँ आप देखिए कितना सारा क्वेश्चन साइंस। वाह, गेहूँ की खेती, ये आ गया, कह सकते हैं ज्योग्राफी। अब यहाँ करंट है, एक करंट क्या कह सकते हैं, IR इसको बोल सकते हैं, 113 नंबर, भारतीय प्रायद्वीप उत्तर पश्चिम भाग। ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये क्रिटेशियस मध्य के कल्प के मध्य का यही आंसर शायद। ये मैथ रहा, फिर आ गया हिस्ट्री 1857, फिर हिस्ट्री करेंट, फिर 120 में से देख सकते हैं ये करंट, और ये 125 नंबर एट लास्ट। ये मैथ का क्वेश्चन था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू।